हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की पूरी। ये बहुत ही चटपटी और मसालेदार पूरी है। देख लेते हैं इसके लिए क्या चाहिए। टमाटर प्योरी 2 कप या आवश्यकता अनुसार, गेहूं का आटा 2 कप, बेसन 2 बड़े चम्मच, टोमेटो सॉस 2 छोटे चम्मच, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, अजवाइन 1 छोटी चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, तेल आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले एक बर्तन में आटा ले लेंगे, आटा 2 कप, बेसन डालेंगे 2 बड़े चम्मच, तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाना है ताकि तेल पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है। अजवाइन डालेंगे 1 छोटी चम्मच, कसूरी मेथी 1 बड़ी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, टोमेटो सॉस 2 छोटे चम्मच। टोमेटो सॉस में नमक होता है, इसलिए नमक उस हिसाब से ही डालें। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें टोमेटो प्योरी मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से गूंथना है। थोड़ी थोड़ी टोमेटो प्योरी मिलाते हुए गूंथेंगे। टाइट आटा गूंथना है, इसके उस हिसाब से टोमेटो प्योरी डालते जाएंगे। बहुत ज्यादा टोमेटो प्योरी नहीं डालना है, नहीं तो आटा नरम हो जाएगा। आटा अच्छी तरह से गूंथ गया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। एक बार फिर इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। आटा तैयार हो गया है। अब इसे ढककर 10-15 मिनट रेस्ट में रख देंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। एक बार और गूंथ लेते हैं। आटा पूरी तरह से तैयार है। अब इसके छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाकर पूरी के आकार में बेल लेंगे। अच्छी तरह से बेल लिया। सारी लोइयां इस तरह से बेल लेंगे। अब गरम तेल में इनको तल लेंगे। ये पूरियां खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें टोमेटो सॉस होता है। ये पूरियां बहुत ही मसालेदार होती हैं, इसलिए सिर्फ अचार के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, और चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से तल लेंगे। पूरी तैयार है। ऐसे ही बाकी की पूरियां भी तल लेंगे। टमाटर की पूरियां बनकर तैयार है। अभी दिवाली में भी ये पूरियां बना सकते हैं, तो इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अलग रेसिपी के साथ। थैंक यू।